सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे। खाना क्यों नहीं खाया? मैं दिल नहीं चाह रहा। और देखो इस कंडीशन में तुम्हारा भूखा रहना ठीक नहीं है। तुम्हें मेरी इस कंडीशन की फिक्र है, मेरी नहीं है ना। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है सर। कि तुम जानते भी हो तुम्हारे इस रवैये से मुझे कितनी तकलीफ हुई है, मैं कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। हाँ मैं वही सब क्लियर करने आया हूँ। आगे पीछे दो तीन बातें ऐसी हो गई थी जिनकी वजह से मेरा मूड खराब था। क्या बातें हसन? ये कि डैड ने तुम्हें ये नहीं बताया कि जहांगीर भाई के लिए मैंने कॉल की, और क्या बात हो सकती? बाप खुशखबरी मिलने के बाद जब मैं खुशी खुशी तुमसे मिलने आया था, तुम्हें लेने आया था, उस वक्त मुझसे पहले शाजीब वहां ढेर सारे फूल लिए पहुंचा हुआ था। मेरी अरे सीरियस हसन, ये बात थी? मैंने तुम्हें बताया तो था, हमारा आर्ट गैलरी जाने का प्लान बना था। शाजिब को मुझे पिक करना था, वो कॉल कर रहा था और बस बेख्याली में मैंने उसको बता दिया। ऑब्वियसली अगर हमारा प्लान नहीं होता तो उसको ये बात देर से पता चली। एक बात बताओ, तुम क्या जेलस होते हो शाजिब से? जेलसी कैसी, एक छोटी सी बात है बस। अब अच्छा छोड़ो इस बात को, हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे चेकअप के लिए, ठीक है? विजिट नेक्स्ट मंथ, कल जाके क्या करेंगे? अच्छा वैसे डिटेल में तो बताओ डॉक्टर ने कहा क्या? डॉक्टर ने ये बोला है कि इस कंडीशन में मेरी कोई भी ख्वाहिश वो पूरी होनी चाहिए। और इस वक्त ना मुझे जहाँ भी घूमने का दिल चाहे ना, दुनिया में किसी भी कोने में, तो मेरे हस्बैंड को जरूर लेके जाना चाहिए। बस ठीक है, पहली फ्लाइट से, एक रोज से पहले खाना। चलो 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 आराम से आराम से आज खाना। शाबाश शाबाश। चलो इतना होगा।